अगर आप यहाँ पे Xiaomi HyperOS 2.0 का वेट कर रहे थे, सो यहाँ पे HyperOS 2.0 फाइनली यहाँ पे रोल्ड आउट हो चुका है वन Xiaomi स्मार्टफोन के लिए। लेकिन ये वाला स्टेबल अपडेट केवल एक ही यूज़र को देखने के लिए मिला है, यानी कि इन शॉर्ट इस वाले अपडेट को केवल यहाँ पे अभी डेवलपर्स ही यूज़ कर सकते हैं। सो कौन से Xiaomi डिवाइस के लिए अपडेट को यहाँ पे रोल आउट किया गया है, और इसी के साथ एक और एक्सक्लूसिव न्यूज़ इसके रिगार्डिंग निकल के सामने आ चुकी है, ये भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे HyperOS 2.0.0.1 VML CNX Redmi K60 Ultra के लिए यहाँ पे लीक्ड हो चुका है। जैसा कि आपका पता है Xiaomi HyperOS का अपग्रेड भी K60 Ultra में ही सबसे पहले देखने के लिए मिला था, और यहाँ पे HyperOS 2.0 के भी हाई चांसेस हैं कि K70 Ultra K60 Ultra को दोनों को एक साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे एक स्मॉल हिंट हमें देखने के लिए मिल चुका है कि K60 Ultra का 2.0.0.1 VML CNX यहाँ पे 6 से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर ने इसको यहाँ पे लीक्ड कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग एक और गुड न्यूज़ ये है कि HyperOS 2.0 अपडेट पुश एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे एक साथ स्टार्ट किए जाएंगे, और यहाँ पे सब मॉडल्स के लिए यहाँ पे टेस्टिंग एडवांस में स्टार्ट हो चुकी है। एग्जांपल K60 Ultra के लिए OS 2.0.0.1 VML CNXM के बिल्ड में, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ मोर Xiaomi डिवाइसेस के लिए भी इसको स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi Pad 6X Pro 12.4। सो यहाँ पे K60 Ultra के लिए 2.0.0.1 के बाद 2.0.0.17 का भी बिल्ड यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्ड हमारा लीक हुआ है वो 2.0.0.1 का यहाँ पे लीक हो चुका है। सो इसमें हमें एडवांस फीचर्स के सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अब आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक का वेट करना है, फर्स्ट वीक तक यहाँ पे इन अपडेट्स को रोल्ड आउट किया जा सकता है, जब भी किया जाएगा इसके रिगार्डिंग मैं लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द Xiaomi HyperOS 2.0।